हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 66 किताब है बाइबल के अंदर, सबके नाम हमें पता है, लेकिन एक किताब जो है, एक किताब है परमेश्वर के पास, हालेलुया। और वो किताब जो है, वो पुस्तक जो है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जीवन की पुस्तक, हालेलुया। तो बुक ऑफ लाइफ जो किताब है, हालेलुया। तो जीवन की पुस्तक आखिर है क्या चीज, जीवन की पुस्तक आखिर है क्या चीज, हम लोग देखेंगे। आमीन। तो जीवन की पुस्तक है कि जो लोग परमेश्वर ने जिनको बनाया है, जो लोग इस पृथ्वी में जिनको भेजा गया है, उनके नाम जो है, जिनके नाम उसमें वचन में लिखा है होंगे जीवन की पुस्तक में, वही स्वर्ग जा सकेंगे। आमीन। वही स्वर्ग जा पाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होगा, हालेलुया। तो हम देखेंगे क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा हमें कि क्या ये बात है, क्या मतलब, कई लोगों को लगेगा क्या फालतू की बात है, लेकिन ये सबसे आखिरी सच्चाई है जिसको मानना और ना मानना हमारे हाथ में, मानना बहुत मुश्किल है, हालेलुया। क्योंकि मानने के द्वारा ही हम इस जीवन की पुस्तक को प्राप्त कर पाए। तो क्या हमारा आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, देखेंगे। आमीन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो है मूसा के द्वारा जीवन की पुस्तक है करके मूसा इस बात को बताता है, और हम उसी के द्वारा जान पाते हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, और जब इजरायली लोग मिस्र देश के जब गुलाम थे, जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी की हालत में थे, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश से जो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, उन्हें आजाद करने के लिए उसे भेजा, और जब मिस्र देश से इजरायली आजाद होकर, और हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में, मूसा जो परमेश्वर का दास था उसकी अगुवाई में जब वो चल रहे थे, तब वे रास्ते में वो जंगल में पहुंचे। आमीन। कितने लोगों को पता है ये बात, मैकडॉनल्ड में या केएफसी में नहीं पहुंचे, वो लोग जंगल में पहुंचे। कहां पे? जंगल में पहुंचे। और जब वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, और हम देखते हैं कि वो लोग क्या किया, भोजन और पानी के लिए मूसा को भला बुरा कहने लगे, और कुड़कुड़ा कर परमेश्वर को भी भला बुरा कहने लगे। आमीन, हालेलुया। वो जंगल के अंदर मूसा को और परमेश्वर को, दोनों को भला बुरा कहने लगे, उल्टा सीधा जो मन में आया बोलने लगे। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पे क्रोध में भरकर, क्रोध में आकर, परमेश्वर का क्रोध जो है वो इसराइलियों के ऊपर भड़क उठा। शायद वो अपने बारे में सुन के नहीं कुछ किया होगा, लेकिन मूसा के बारे में सुन के उसको बहुत दुख लग गया होगा कि एक व्यक्ति जो इनके लिए अपना जीवन दे दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ के, और उसके बारे में तो वो बहुत गुस्सा हो गया परमेश्वर, हालेलुया। तब जो है परमेश्वर ने ठान लिया कि अब जंगल में ही इसराइलियों को क्या करना है, जो लोग ऐसे हैं उनको नाश करना चाहा परमेश्वर, उनको वही खत्म करना चाहा। तब मूसा ने वहां पे क्या कहा, मूसा ने परमेश्वर की दुहाई देकर ये विनती की, हालेलुया। निर्गमन 32 का 32 निकाल लेंगे हम लोग। तो मूसा ने जो है दुहाई देकर परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर उन्हें नाश ना करे, हालेलुया। और किस रीति से कहा, दुहाई किस रीति से दी, 32 का 32 हम जब देखते हैं, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आमीन। मूसा ने क्या दुहाई दिया कि अब तू उनका पाप क्षमा कर, हालेलुया, उनका पाप क्या कर, क्षमा कर। कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। किससे? परमेश्वर से। क्या कह रहा है? अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से
मेरा नाम जो है काट दे। आमीन। ये कहां लिखा है? निर्गमन 32 के 32 में। हालेलुया। क्या कह रहा है मूसा? अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। ये बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना है, सब लोग जितने लोग बैठे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हम देखते हैं कि इस वचन से हमें ये पता चलता है कि जो जीवन की पुस्तक है वो स्वयं परमेश्वर उसको लिखता है। आमीन। क्या क्या लिखता है वो भी देखेंगे हम। आमीन। तो हम देखते हैं जो है मूसा ने यहाँ पे क्या कहा। सबसे पहले हम पहला जो हम पॉइंट है हमारा, जीवन के पुस्तक का लिखने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। आमीन। इससे पता चलता है इस वचन से कि जीवन की पुस्तक को लिखने वाला स्वयं कौन है? परमेश्वर है। सुनने वाले बोले हालेलुया। स्वयं परमेश्वर है जीवन की पुस्तक को लिखने वाला। और दूसरा पॉइंट है, जीवन की पुस्तक में से इन नामों को परमेश्वर काट भी सकता है। हालेलुया। जीवन के पुस्तक में से परमेश्वर नामों को काट भी सकता है। हालेलुया। तो जीवन की पुस्तक में से परमेश्वर, हम देखते हैं कि उसको स्वयं अधिकार है नाम काटने का, नाम लिखने का। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे सवाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा से क्या, मूसा को क्या उत्तर दिया, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसके नाम को जीवन के पुस्तक में से काट देता है। आमीन। हम लोग 32 का 33 में पढ़ेंगे इस बात को। निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। आमीन। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। लिखा है मूसा ने कहा, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, अगर तूने मेरी दुहाई नहीं सुनी और तूने इनको माफ नहीं किया इसराइलियों को, तो तू मेरा नाम काट दे। तब परमेश्वर क्या उत्तर देता है? जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मूसा को परमेश्वर कहता है, बेटा तू बहुत चलाक बन रहा है ना। हालेलुया। तू बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। तू परमेश्वर कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। देखिए किसका नाम जीवन की पुस्तक में से कटेगा? जिसने मेरे विरुद्ध काम किया है, पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से मैं काट दूंगा। सुनने वाले बोले हालेलुया। निर्गमन 32 का 33 में लिखा है। तो कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी जगह, मेरे परिवार के जगह पे परमेश्वर मुझे सजा दे। हालेलुया। कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, प्रभु उसको छोड़ दे मुझे सजा दे। प्रभु क्या? हालेलुया। प्रभु न्याय परमेश्वर है, वो अन्याय काम नहीं करता। हमारे और आपके बोलने से अगर ऐसे सब कुछ होने लगे तो हम जिसको चाहे उसको सेकंड में मार दे, प्रभु उसको मार दे, तो ये होने लगेगा। देखिए लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जो पाप करेगा उसी का नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो वचन साफ है इस बात को कि केवल पाप करने के कारण ही उस जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाता है। आपको पता है एक बात, एक और चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप निकाल लीजिए मरकुस की किताब, मत्ती मरकुस और 15 अध्याय में हम आ जाएंगे। एक 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 चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, 34 वचन, 15 का 34 पढ़िए। मरकुस
15:34 अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकते हैं। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्दकतनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। ये यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उससे ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया था। ये क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वचन में लिखा है क्रूस पर जब वो चढ़ा जगत का पाप उस पर लाद दिया गया, जगत का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया, और इसलिए अंधकार ने क्या किया उस समय घेर लिया, और परमेश्वर ने उस पाप के कारण यीशु मसीह को क्या किया उस क्षण में के लिए छोड़ दिया। आमीन। आगे अगर हम पढ़ते हैं शुरुआत में जब मत्ती में ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो क्या कहा था परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप सोच लीजिए पाप के कारण प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जब पाप आया तो उसने प्रिय पुत्र को, और जिसमें यूहन्ना 3:16 कहता है इकलौता बेटा जिसको, उसको परमेश्वर ने पाप के कारण त्याग दिया। हालेलुया। आज पाप जो है मैं आपको फिर बताना चाहता हूं चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर, चारों तरफ पाप जो है घूम रहा है, चारों तरफ पाप जो है चल रहा है। मेरे प्रियो आज हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, हम अपने जीवन से अपने आप को जांच सकते हैं। कई बार जब हम लोग एग्जाम देते थे छोटे थे तो हमें पता चल जाता था कि हम पास होंगे या फेल होंगे, क्योंकि पेपर देने वाले हम ही होते थे। हालेलुया। पेपर देने वाले हम ही होते थे और हमें पता चल जाता था कि कितने नंबर आएंगे और हम पास होंगे या फेल होंगे। आज भी उसी तरीके से हमें पता है कि हम स्वर्ग जाएंगे या जीवन की पुस्तक में मेरा नाम रहेगा या नहीं। आमीन, हम जानते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। उसने कहा पिता मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको आभास नहीं था, क्योंकि वो अपने पाप के कारण नहीं दूसरों के पाप के कारण जो जगत का पाप उसके ऊपर आया था उसको ये नहीं पता था कि, लेकिन उसने पुकारा पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां हम देखते हैं बाइबल बताती है कि पाप के कारण जो है अंधकार छा गया था, तीसरे पहर तक अंधेरा था। और हम देखते हैं जीवन की पुस्तक में लिखा है पाप के कारण ही उस जीवन के पुस्तक में से नाम काटा जाता है। मनुष्य के पाप कर्मों पर या अधर्म के कारण उसमें जो नाम है वो काट दिया जाता है। मेरे प्रियो आप बाइबल के अंदर देखिए उत्पत्ति से नूह के समय तक क्या केवल 8 लोग ही धर्मी व्यक्ति थे, परमेश्वर को मानने वाले थे? नहीं, और भी थे, लेकिन 8 लोग ही क्यों बचाए गए थे? 8 लोग ही क्यों बचे थे? क्या और कोई परमेश्वर के आराधक नहीं था, और कोई परमेश्वर की आराधना करने वाला वहां नहीं था? अगर आप उत्पत्ति पढ़ोगे तो वहां सूरवीर भी थे, धर्मी थे, और बहुत सारे लोग थे, मगर 8 लोग ही क्यों बचाए गए? क्योंकि आखिरी में नूह, अंत तक नूह ने ही परमेश्वर के शब्द को सुना और उस शब्द को उस पे चला, उसकी आज्ञा को तुरंत उसने माना, उसके परिवार ने माना, इसीलिए वो परिवार बचा लिया गया। और पाप के कारण परमेश्वर ने सबको त्याग दिया, सबके जीवन का जो परमेश्वर ने उसको काम खत्म कर दिया। आमीन।
कई बार हम सोचते थे क्या प्रभु यीशु मसीह से जो पहले थे वो क्या बचे होंगे, क्या वो स्वर्ग जाएंगे। आमीन। जो यीशु मसीह से पहले थे जो मर गए उत्पत्ति या ऐसे ऐसे उसमें, तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। क्या वो स्वर्ग जाएंगे? जिन जो लोग ये विश्वास नहीं किया या कोई ऐसे, तो स्वर्ग जाएंगे क्या वो लोग? हालेलुया। कई बार हम इसको सोचते थे, लेकिन मेरे प्रियो हम देखते हैं तीन जैसे प्रकार से परमेश्वर ने इस जगत में सुसमाचार को भेजा। पहले तो स्वयं परमेश्वर जो है खुद मनुष्य से बात करता था, अपने बारे में प्रकट करता था, बताता था। उसके बाद भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने प्रकट किया अपने आप को, और उसके बाद उसने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, अब जो है छेलों के द्वारा, अब हमारे द्वारा ये बात को प्रकट कर रहा है परमेश्वर। तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि भांति भांति थोड़ा थोड़ा करके बाप दादाओं को परमेश्वर, भविष्यवक्ता या खुद स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो यही है कि उनका नाम जो है जीवन की पुस्तक से काट दिया गया, वो स्वर्ग नहीं जा पाए। आमीन। हालेलुया। हम लोग कई बार सोचते थे कि नहीं, यीशु मसीह जो है लोगों को सुसमाचार सुनाया है, सुसमाचार जो है वहां पे, लेकिन पहले से उनके पास परमेश्वर का सुसमाचार था। पहले से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया था। उसने मूसा से भी कहा था, जाके कहो मैं ही हूँ वो परमेश्वर, मैं हूँ सो हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, वहां पे भी प्रकट किया था। और यहाँ पे आज हम देखते हैं कि जीवन का पुस्तक जो है मनुष्य के लिए परमेश्वर स्वयं लिखता है। जब हम निर्गमन को हम जब देखते हैं 32 के 33 में, वहां पे स्वयं परमेश्वर मूसा इस बात को कह रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई पाप करेगा, जो कोई मेरे विरोध में जाएगा, मैं उसके नाम को जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। आमीन। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, जीवन की पुस्तक में जो है ये नाम जो है जगत की उत्पत्ति से पहले ही लिखे हुए हैं। आमीन। ये बड़ा अचंभों वाली बात है। कई बार हम लोग सुनते हैं, वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते, तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया, तो मतलब आपका नामांकन वहां पे है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता 139 के 16 में, राजा दाऊद जो है वो कहता है, मेरे तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे वे रचे जाने से पहले, हालेलुया, तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, रचे जाने से पहले जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ था। आमीन। हालेलुया। और अगर हम लोग वचन की ओर देखते हैं, तो जो है पौलुस भी फिलिपियों की जो कलीसिया के लिए लिखते हैं और उसे कहते हैं, जो फिलिपियों की कलीसिया है उसे कहते हैं कि सच्चे सहकर्मी, जो सच्चे परमेश्वर के जो आराधक है, उसके जो काम करने वाले हैं, सर्वेंट है, सच्चे परमेश्वर के सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में कलेश और मेरे उन और सहकर्मियों में परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये पौलुस जो है बात को कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां से जीवन के पुस्तक के बारे में बहुत सारे वचनों को हमने देखा है, बहुत सारे वचन को। तो जीवन के पुस्तक में क्या केवल नाम ही लिखा है? और भी चीज लिखा है जीवन की पुस्तक में। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा, जीवन की पुस्तक में हमारे दुखों की भी जो है वहां पे बातें लिखी गई है, हमारे आंसुओं को भी वहां पे लिखा गया है, और परमेश्वर लिखता है। इसीलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं कि हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो
वो सारा चीज लिखा जाता है। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। जीवन की पुस्तक है। तो यहाँ पे हम एक और वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पे हमारे नाम को क्या करता है, हमारे नाम को परमेश्वर लिखता है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को की चर्चा भी परमेश्वर क्या करता है, वो लिखता है। हालेलुया। हम भजन संहिता 56:8 में देख लेंगे। भजन संहिता 56:8 में आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। 56:8 में हम देख लेंगे। मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। आमीन। हालेलुया। देखिए ये सारा चीज जो है वचन हम लोग पढ़ते हैं और आराम से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये बात जो किताब जो पुस्तक है उसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये वचन जो है कहता है क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है। दाऊद राजा कहता है मेरे मारे मारे फिरने का तू क्या करता है, हिसाब रखता है, मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। और उनकी चर्चा क्या तेरी पुस्तक में नहीं है। भजन संहिता क्या लिखा है, 56:8 में लिखा है, क्या इसकी चर्चा मेरे दुख की, मेरे बीमारी की, मेरे परेशानी की क्या तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। मारे मारे फिरने का भी हिसाब परमेश्वर रखता है। हालेलुया। तो उसके बाद हम सब अब आते हैं एक और किताब के लिए, देखते हैं जीवन की पुस्तक के बाद एक और पुस्तक जो है वो, हालेलुया, एक और पुस्तक है उसको भी हम लोग देखेंगे। जीवन की पुस्तक के बाद मेमने की जीवन की पुस्तक, यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर कैसे न्याय करता था, परमेश्वर जो न्याय करता था धर्म काम करने के द्वारा, हमारे धर्मी होने के द्वारा न्याय करता था, इसलिए जो है हम सब जो है उसके द्वारा हम लोग सुरक्षित नहीं हो पाते हैं। आमीन। हालेलुया। और हम लोग मेमने के जीवन के पुस्तक के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों को पता है इसके बारे में, मेमने के जीवन की पुस्तक, आमीन, मेमने के जीवन के पुस्तक के बारे में पता है। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे पास्टर जी ऐसा तो कुछ भी चीज नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग वचन से ही देखेंगे। आमीन। आप लोग वचन कॉपी पेन जो है जरूर लेकर रखिए, ताकि जो है आप जरूर उसको जान सके। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग, आप लोग जो है वचन को जरूर, बाइबल को निकाल के रखिएगा, उसको जरूर हम लोग पढ़ेंगे। नया नियम की जो पुस्तक है जीवन की पुस्तक से संबंधित हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो नया नियम जो है जीवन की पुस्तक से संबंधित हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसमें दो पुस्तक के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसका हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। दो किताब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो यहाँ पे हम वो देखते हैं, पहला किताब जो है जीवन की पुस्तक है, और दूसरा किताब जो है मेमने की जीवन की पुस्तक है। दो किताब है। तो जीवन की पुस्तक के बारे में जब हमने पढ़ा, उसमें जो नाम लिखे हैं वो हमारी जो गलती या पाप अधर्म के कारण जो है काट दिए जाते हैं, काट दिए जाएंगे। आमीन। हमारा अधर्म, हमारी गलती, हमारे पाप के कारण उसमें से काट दिए जाए, उसमें से काट दिया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो है मेमने के जीवन के पुस्तक में के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से जो अंत तक विश्वास, जो विश्वासी
बना रहेगा। हमने वचन में पढ़ा है जो अंत तक विश्वासी बना रहे वो जय पाए, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13:8 निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य जो है 13:8 हम निकाल लेंगे। रेवलेशन 13:8 आमीन। मैंने आपको बताया ना, आप ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से यहाँ पे, अब आपको अंतर जो क्या लिखा है एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 13:8 में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप फिर बोलेंगे पास्टर जी ऐसे नहीं वैसे आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला, उनका उद्धार जो है नहीं है जो उत्पत्ति के समय में घात हुआ है। हालेलुया, जो उस समय में घात हुआ है उनका उद्धार नहीं है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो कौन है? वो जगत जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया, तो जो यीशु मसीह से पहले जिनको भविष्यवक्ताओं के द्वारा और जिनको परमेश्वर के द्वारा संदेश मिला और जिन्होंने विश्वास नहीं किया और जो नाश हो गए, उनके जो इस किताब में नाम नहीं मिलेगा जी मेमने के जीवन, लेकिन वो परमेश्वर के उस परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में उनका नाम रहेगा जिन्होंने विश्वास किया है, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका नाम वहां से काट दिया जाता है। हालेलुया, तो जो मेमने का जीवन की पुस्तक है और जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर का जीवन की पुस्तक है, यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग कि जीवन जो परमेश्वर की जीवन की पुस्तक है वो जगत की उत्पत्ति के समय में उसमें नाम लिखे गए हैं, और वो नाम जो है जिन्होंने विश्वास किया जिन्होंने नहीं किया दोनों का नाम उसमें लिखे गए, लेकिन वो पाप अधर्म और चीजों के द्वारा उनका क्या होगा, न्याय हुआ है। हालेलुया, उनका न्याय उसके कारण होगा, गलती के कारण। और जो मेमने की पुस्तक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जो मेमने की पुस्तक के बारे में, इसी में दूसरा हम लोग 5:2 में जब पढ़ते हैं, मेमने की जीवन की पुस्तक जो है दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जीवन की पुस्तक, जो हम लोगों ने दो किताब के बारे में सुना है नया नियम के अंदर, पहला जो किताब है जीवन की पुस्तक, और अब दूसरा जो किताब है मेमने की जीवन की पुस्तक। मेमने की जीवन की पुस्तक की जो पुस्तक है, जिनके नाम लिखे जाएंगे वे किसी रीति से काटे नहीं जाएंगे। आमीन, तो आनंदित हो जाइए इस बात के लिए कि मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे जाएंगे, हालेलुया, वो किसी रीति से काटे नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:27 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:27 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको 27 में, ध्यान से पढ़िएगा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए काटे नहीं जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा 27 को, परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु, कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले, ध्यान से आप लोग इस बात को पढ़िएगा, ठीक है, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, आमीन,
या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंत तक जो धीरज रखेगा उसके नाम को क्या होगा, जीवन की पुस्तक, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और उससे काटा नहीं जाएगा। लेकिन जो आज्ञा न मानने वाले, जो अनाज्ञाकारिता में है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पौलुस लिखता है कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग राज्य को नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे लोगों के जो नाम है जीवन की पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं जो जीवन की पुस्तक है, जो जीवन के पुस्तक में जिनके नाम लिखे हैं, वो लोग न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। जो जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, आपके हमारे और आपके नाम के, जो आपका हमारा नाम दो किताबों में लिखा जाता है, लिखा होगा, एक जीवन की पुस्तक और एक मेमने के जीवन की पुस्तक। जो जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा होगा, वो लोगों का न्याय क्या होगा, उनके काम के अनुसार न्याय होगा। और आपको और मुझे पता है हमारे काम के अनुसार हम लोग कभी भी बच नहीं सकते कि बच सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20:12 पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके नामों उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। मतलब जगत के उत्पत्ति से जो लोग मर गए थे यीशु मसीह से पहले, उनका न्याय कैसे हुआ, उनके काम के अनुसार न्याय हुआ। हालेलुया। जो लोग मारे गए थे, जो लोग मर गए थे, उनका न्याय कैसे हुआ, जैसे हम लोग अन्य जाति में देखते हैं, कहते हैं अच्छा कर्म करो, और वचन में बाइबल बताती है कि हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, केवल अनुग्रह से ही धर्मी ठहर सकते हैं। हमारे कर्म जो है इतने अच्छे नहीं है, हम कर्मों के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसे होता तो यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ता, अगर हम अपने कामों के द्वारा धर्मी होते। तो साफ तौर से यहाँ पे लिखा है कि फिर मैंने छोटे से छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक जो है खोली गई, और एक फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, जिसको परमेश्वर लिखता है। जीवन की पुस्तक में जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार जो है मरे हुओं का न्याय किया जाएगा, किया गया। आमीन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो है हम देखते हैं 20:12, ये जो वचन है इसमें लिखा गया साफ तरीके से। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में नाम तो है हमारा, था शायद, हो सकता है या था, कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो मर गए, जो लोग मर गए जीवन की पुस्तक में जिनका नाम था, जब वो लोग मर गए तो उनका न्याय उनके काम के अनुसार हुआ। हालेलुया। उनका काम के अनुसार क्या हुआ, न्याय हुआ। उन्होंने जो भलाई किया उसके अनुसार उनका न्याय होता है। आमीन। हालेलुया। और हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने कामों के अनुसार धर्मी नहीं हो सकते हैं। आमीन। हम अपने कामों के अनुसार धर्मी नहीं हो सकते हैं। कोई भी कितना भी कुछ कर ले, वो अपने काम के अनुसार धर्मी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, किस पर, यीशु पर, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है कि यीशु ही मेरे लिए मारा गया
गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई ध्यान रख लेना ये चीज, जो कोई इस बात पे विश्वास करता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वे लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहरेंगे। विश्वास भी परखा जाएगा आपका, याद रखना। हालेलुया। वे लोग धर्मी ठहराए गए और उनका न्याय विश्वास के कारण होगा। आपने यीशु पे कैसे विश्वास किया? हमारा न्याय कैसे होगा? विश्वास के कारण होगा। मेमने की किताब में जो लिखा जाए उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। अर्थात यीशु मसीह जो है उनके लिए, हम जब पढ़ते हैं यीशु मसीह उनके लिए पहले ही जो है हम जानते हैं कि दंड उठा चुका है। अभी हालेलुया। तो हमारा न्याय कैसे होगा? हमारे विश्वास के कारण होगा। हमारा न्याय हमारे कामों के कारण नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने जो है दाम चुका दिया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 12 जब पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 11 12 फिर मैंने छोटे बड़े, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 और 12 11 पढ़ेंगे हम एक बार। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको उस पर बैठा हुआ हुआ है और देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। आमीन हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि जब क्या होगा। सबसे पहले जब जब न्याय होने के समय में जब न्याय होगा उस समय क्या होगा, जो लोग उनके कामों के अनुसार हो रहा है, वे लोग विश्वास करने वाले जो कलीसिया के लोग जो है वो नहीं है, क्योंकि उस समय जो है उनके काम के अनुसार जो न्याय हो रहा था। हालेलुया। तो जो लोग विश्वास नहीं करते वो लोग क्या होगा, उनका न्याय कैसे होगा? वो लोग उनके काम के अनुसार न्याय किया जाएगा, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। कई लोग हम देखते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, माथा पटकते हैं, लेकिन वो लोग का कैसे होता, ढीठ होते हैं। कई लोग का मसीह में आते हैं फिर भी वो लोग ढीठ बने रहते हैं, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम उसी तरीके से करते रहते हैं। वचन दिन रात सुनते हैं, वचन दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी फर्क इस हृदय में जरा सा बदलाव नहीं होता है, स्वभाव में ना उनके जीवन में बदलाव होता है। वैसे ही उनका स्वभाव, घमंड, उनका ऊंचापन, हर चीज वो प्रकट रहता है। तो बाइबल बताती है इस बात को कि ऐसे लोगों का न्याय कैसे होगा। हालेलुया। उनके कामों के अनुसार न्याय होगा। हम विश्वास तो कर लिए लेकिन कैसे? हे प्रभु करने वाला विश्वास हमारा। आमीन हालेलुया। हे प्रभु करने वाला हमारा विश्वास जो है हमने किया, तो हमारा उनका न्याय कैसे होगा, जो है उनके कामों के अनुसार न्याय हो रहा है। और विश्वास करने वाले वो लोग नहीं होंगे, कलीसिया के लोग नहीं होंगे, वो लोग भटकने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। भटकने वाले लोग होते हैं वो लोग, हम जितना भी उनको समझाएंगे, जितना भी कहेंगे, वो लोग हाँ में हाँ करते रहेंगे, लेकिन वो लोग यीशु के जो आज्ञाओं पे, यीशु के वचनों पे वो लोग जो है कठोरता के साथ चलते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते। वचन में लिखा है और इस बात को, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो न्याय होगा उनका, जो काम के अनुसार न्याय होगा, उससे पहले क्या होगा, बाइबल बताती है कि जब न्याय से पहले लोगों का जो मसीह में है, जो कलीसिया के लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, जो विश्वास करने वालों को परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। बचे हुओं का न्याय होगा, जो बच जाएंगे उनका न्याय होगा, उनके लिए पुस्तक खोले जाएंगे जो बच जाएंगे। लेकिन जो यीशु पे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और अच्छे से चल रहे हैं, वो लोग, बाइबल में क्या लिखा है, यीशु जब आएगा तो बादलों पे वो लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा,
न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। आमीन। उससे पहले रैप्चर हो जाएगा। आपको समझ में आया वो चीजें कि यहां से चला गया? कितने लोगों को यहां से गया आप बता सकते हैं? हालेलुया। अगर आपको यहां से गया है, समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया सबको? चलिए, प्रेज द लॉर्ड। बहुत आपको या तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, या तो शायद कुछ भी नहीं आया। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग ये चीज को देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझ पाएंगे तो। आमीन। ठीक है, मैं कल आपसे इसके बारे में थोड़ा सा सवाल करूंगा, आपने क्या समझा है, क्योंकि हमारे पास आज समय नहीं है, 8:04 हो गया है। हालेलुया। तो कल मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगा, या अभी पूछ लूंगा, अभी पूछ लेता हूं। आमीन, हालेलुया। चलिए, मैं किसी ना किसी से, दो लोग से पूछता हूं इस समय। ठीक है, इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, राजकुमार भैया, आपने फोन लिया है, बहुत बधाई हो आप। ठीक है, इस समय बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अंकल अरेश अंकल बताएंगे, माइक को थोड़ा ऊपर करके और थोड़ा शॉर्ट में बता दी। जीवन की पुस्तक और मेमने के जीवन की पुस्तक में क्या अंतर है, क्या सीखा आपने? मेमने की जो पुस्तक है, उसमें ये सीखा है कि हमें किस ढंग से, मतलब किसके कैसा व्यवहार करना चाहिए, और किस तरीके से, मतलब अपने चाल चलन को रखना चाहिए। अपने चाल चलन को अगर हम सही रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर चाल चलन मेरा सही नहीं रहा तो ये जितना भी हमारा ये कार्यक्रम है सब बेकार ब्लास्ट है हमारे। अमीन। ठीक है, आरती सिस्टर बताइए। आरती सिस्टर प्रेमनगर। आरती सिस्टर प्रेमनगर। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आरती लाकर बोलेंगे हालेलुया। मुझे पता है कि आप लोग को सबको समझ में बहुत आ गया है, अच्छे से आया है, तो आ ही जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग और चीजों को देखते हैं, जो है प्रकाशित वाक्य 13:8 निकाल लेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 13:8 बस हम लोग समाप्त करेंगे, और 5 मिनट में प्रकाशित वाक्य 13:8 में जब हम पढ़ते हैं, हम 7वां पॉइंट देखते हैं, विश्वासियों के नाम जीवन की पुस्तक में से लेकर मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। विश्वासियों के नाम, क्या विश्वासियों के नाम जीवन की पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक में से लेकर मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13:8। इसको थोड़ा समय एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। उस पशु की पूजा मतलब क्या होगा? जब न्याय का समय आएगा, जो रैप्चर के बाद उठा लिए जाएंगे, जो लोग जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जब न्याय होगा तो जो लोग बच जाएंगे, बड़ा दुर्दशा होगा वहां, बहुत बड़ा दुर्दशा होगा उनके। वो इतना भयानक समय होगा कि लोग कहेंगे मेरे ऊपर चट्टान गिर जाए, मुझे
जाए, मौत नहीं मिले, इतना स्थिति। और वो लोग जो है यीशु को मानने वाले भी होंगे उसमें से, लेकिन कैसे, मतलब जो खाली हे प्रभु करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग होंगे। शायद उसमें पास्टर हो सकता है, शायद लीडर हो सकता है, विश्वासी हो सकते हैं, सब उसके अंदर आएंगे। ये नहीं है कि नहीं, केवल विश्वासी ही, वो सबसे पहले तो पास्टर का वो कतार होगा वहां पे। हालेलुया, पास्टर का क्या होगा, कतार होगी, तो ऐसा नहीं है। तो पास्टर को सबसे पहले बचना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुस्तक होगा वो जब रैप्चर के बाद जो लोग बच जाएंगे, हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखा होगा कि कई पास्टर लोग भी छोड़ दिए जाते हैं, और जो कई ऐसे ऐसे लोग उठा लिए जाते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, वो लोग उठा लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग का विश्वास जो है किस प्रकार से यीशु मसीह पे, वो किस प्रकार से उन्होंने विश्वास के द्वारा जो जय पाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि वो लोग जो है नाम नहीं लिखे गए, जिनके जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं उनके नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि वो लोग उस तरह विश्वास नहीं किया है, इसीलिए जीवन के मेमने के जीवन की पुस्तक में उनके नाम नहीं लिखे गए हैं। और वो लोग क्या करेंगे, जो बच जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, वो जो है पशु की उपासना करेंगे। नहीं करेंगे तो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो उनको जीने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज हम लोग को क्या किया जा रहा है, इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो नौकरी पे नहीं रखेंगे, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाओगे, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप मॉल में नहीं जा पाओगे, बहुत सारी सुविधाएं क्या है बंद हो गई है, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तो। उस समय भी ऐसे ही होगा, उनको क्या होगा, बाध्यता के साथ इस पशु की पूजा करना पड़ेगा, शैतान की जो है उपासना करना पड़ेगा ना चाहते हुए। इसीलिए बाइबल कहती है कि इतना ऐसा हो करो कि रैप्चर में ही निकल जाओ यहां से, वो सबसे बढ़िया है, उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ताड़नाएं जो है परेशानियां भर के आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जो लोग रैप्चर के बाद बच जाएंगे। इसीलिए जो लोग उनके नाम नहीं होंगे मेमने के जीवन की पुस्तक में, और बाइबल बताती है कि वो क्या करेंगे, पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया, उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, नहीं करेंगे तो ऐसे, क्योंकि ऐसे घात किया जाएगा कि वो लोग मरेंगे नहीं। एक इंग्लिश में एक मूवी है रैप्चर की, उसमें नर्क स्वर्ग के बारे में, तो जो लोग का न्याय होता है वो लोग क्या करते हैं कि उसमें दिखाया गया है कि वो लोग मर जाते हैं, वो लोग जो काम किए हैं उसके अनुसार उनको क्या करते हैं, काटते पीटते, वहां पे उनको न्याय होता है उनको। लेकिन वो लोग सोचते हैं मैं मर जाऊं, लेकिन वो मरते नहीं है, सोचते हैं कि मुझे इससे अच्छा उनको मौत मिल जाए, लेकिन वो मौत नहीं मिलता है, और वो ऐसे रोज उनके साथ स्थिति होती रहती है। ऐसे ही जब न्याय उससे, जब रैप्चर के बाद जब होगा, वो कुछ साल जो है बहुत ही खतरनाक भयानक होगा। आमीन, हालेलुया। तो लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जब एक एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और उसके पुत्र जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब उसका नाम उस जीवन की पुस्तक से लेकर मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। आमीन। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते, कौन करता है विश्वास, वचन में लिखा है जो आज्ञा मानता है यीशु मसीह, जो वचनों पे चलता है वो उस पे विश्वास करता है। आमीन। तब जीवन की पुस्तक से नाम लेकर क्या होगा, मेमने की जीवन की पुस्तक में ट्रांसफर किया जाएगा कि हाँ भाई, इसने यीशु मसीह पे क्या किया है, विश्वास कर लिया है। हालेलुया, यीशु मसीह उसका वहां से उसको ख्याल रखा जाएगा, उसको मदद मिलेगा, सब चीज आएगा, जब जीवन की पुस्तक से मेमने की जीवन की पुस्तक में ट्रांसफर हो जाएगा।
आमीन। तो हमें याद रखना है, अभी हमारे लिए बहुत चीजों को जाना है, फेस करके जाना है, बहुत सारी चीजों को फेस करना है अंत तक बहुत धीरज के साथ। और बहुत ही हम लोग कल देखेंगे कि एक विश्वासी को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस जीवन के पुस्तक के हमें उस परमेश्वर के पास रहने के लिए कल क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो जो कोई विश्वास करेगा, हम इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देख सकते हैं 3:16 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आमीन। तो उसका नाम उसके बाद काटा नहीं जाएगा लेकिन विश्वास परखा जाएगा। सुनने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा जो नाम है जीवन की पुस्तक और मेमने की पुस्तक में आना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसीलिए हम लोग जो है बाइबल को, वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ये बहुत खतरनाक है। हालेलुया। चूक गए तो खुद का ही गर्दन उड़ा देगा, इसीलिए हम यहां करने से अच्छा है यहां देख लेना जरूरी है। आमीन। यहां करने से अच्छा है हमें यहां देख लेना जरूरी है, यहां क्या हो रहा है, उधर जो हो रहा है वो हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। हम लोग यहां देखते हैं, यहां नहीं देखते हैं, हमें यहां देखना है। हालेलुया। हमें यहां देखना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखना है। और हम लोग समाप्त करेंगे, 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे जीवन के जो पुस्तक में भी, हम सब लोग इसमें देखेंगे जीवन की पुस्तक में भी दुनिया के सभी लोगों के नाम नहीं होंगे। आमीन। जीवन के पुस्तक में दुनिया के जो संसार के सब लोगों के नाम नहीं होंगे। आमीन। पता ये बातें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 17:8 देखें, प्रकाशित वाक्य 17:8। हालेलुया। जो जल्दी निकाल ले पढ़े फटाक से। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है। प्रकाशित वाक्य 17:8। जिनके नाम जगत के, हालेलुया, उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में, हालेलुया, लिखे नहीं गए इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है फिर आ जाएगा, अचंभ करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान में, हालेलुया, परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान में यहाँ पे वो सब कुछ जानते हैं कि कुछ लोग अंत तक भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग जानते हैं परमेश्वर, वो एक ज्ञान जो होता है उससे कई गुना परमेश्वर तो अंतर्यामी, अंतर्ज्ञानी है। हालेलुया। तो वो जानता है कि कई लोग अंत के समय तक भी वो विश्वास नहीं करेंगे। जैसे आपने यहूदा स्मृतियों को पढ़ा, उसने उसके विषय में क्या कहा गया, तेरा जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा था, तेरा जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा था। तो परमेश्वर जानता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो लोग आखिरी तक भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे ही नहीं गए। हालेलुया। और वे नाश होने के लिए बनाए गए। ये वचन में जो लिखा है वो आखिरी में अचंभ करेंगे ऐसे। हालेलुया। लेकिन जिनके नाम लिखे गए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्हें भी निश्चिंत नहीं रहना है, उन्हें भी निश्चिंत नहीं रहना है। हालेलुया। तो हमें जो है अपने विश्वास को क्या करना है, थामे रहना है और विश्वास के अनुसार काम को करके अपने उद्धार को अपने बनाए रखना है। हर दिन हमें नया उद्धार चाहिए, हर दिन हमारे विश्वास को अब नया करते रहना है, उसको बढ़ाते रहना है। हम निश्चिंत नहीं रह जाना, हमने तो विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, वचन को ज्ञान हो गया है और बहुत अच्छे से वचन में जान गया हूँ बस, नहीं। हर दिन आपका विश्वास परखा जाना है। हर दिन आप क्या काम कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। हम कल उसके बारे में जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वचन में लिखा है जो जय पाए उसी उसे इसी प्रकार स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा उसी का उद्धार होगा, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से परमेश्वर कहता है नहीं काटूंगा। 3:5 में लिखा है प्रकाशित वाक्य, किसी भी रीति से जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा जो जय पाएगा। सुनने वाले बोले हालेलुया। जो जय पाए उसे इसी प्रकार स्वयं वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर बताएगा ये मेरे किताब में है, यीशु मसीह कहेगा ये मेरे किताब में है, पर बताएगा वो। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। कान सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:27 में, कोई अपवित्र वस्तु नहीं खेल उसके अंदर प्रवेश करेगी, केवल चुने हुए को नाम जो है मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, जिनको यीशु मसीह चुना चुन लेगा। क्योंकि पहला पत्रस 1:2 में ये बात को बहुत अच्छे से लिखा गया है। आमीन। पहला पत्रस 1:2 में ये लिखा गया है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, क्या लिखा है, आत्मा के पवित्र करने और के द्वारा आज्ञा मानने। देखिए, आत्मा के द्वारा सबसे पहले पवित्र और आज्ञा मानने, ये बात ध्यान रखना है, आज्ञा मानने और यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। तो क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में, तो लिखा है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया भी है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें लिखा है महिमा भी दी है। तो रोमियो 8:29-30 में ये बात लिखा है। तो हम लोग जानते हैं कि हम सब पापी दशा में थे, मृत अवस्था में थे, हमें चिल्लाया जाना अवश्य है, और जिसे नया जन्म कहते हैं। आमीन। मैंने उस दिन आपको बताया था जो नया जन्म नहीं पाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग इस बात को बहुत ही ध्यान रख लीजिए, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जो आपने उद्धार पाया है आप ही जा पाएंगे।
लेकिन जिसने नहीं पाया है, जिन नया जन्म नहीं पाया है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग जो वचन में लिखा है, तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, मगर जब अब भी अज्ञान आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, ठीक है, आज भी जो लोग आज्ञा नहीं मानते उसके अंदर काम करता है। जब हम इसको वचन को पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में, तो बहुत साफ रीति से लिखा है, तो इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे, उसके अनुसार चलते थे, लेकिन हालेलुया, हालेलुया, और शरीर और मन की जो मनसाएं पूरी करते थे, कई लोग आज भी मसीह में आने के बाद भी पूरी करते हैं, आज भी शरीर के अनुसार चलते हैं, आज भी उसी अनुसार चलते हैं, और वे लोग के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे, लेकिन कई लोग आज भी क्रोध जो है यहाँ रखा रहता है जो है, तो क्रोध के संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने बड़े उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमें हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों 2:1-5 में लिखा है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो 10वां जो पॉइंट है कि क्या जीवन की पुस्तक में और मेमने की पुस्तक में क्या हमारा नाम लिखा है, आखिरी में हमारा जो पॉइंट है, क्या हमारा नाम लिखा है, हम देखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो हम जब पूरा हमने पढ़ा, हमने पूरा सब अच्छे से देख लिया, आमीन, हालेलुया, हमने पूरा अच्छे से देख लिया, आखिरी में हम लोग देखते हैं कि क्या सच में हमारा नाम लिखा है या नहीं है, हालेलुया। तो हमने जो अब तक शुरू से लेकर एक पॉइंट से अब तक जो हमने पढ़ा, उससे हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर, उसका नाम जो है जीवन की और मेमने की पुस्तक में होगा और उसी का उद्धार भी होगा। आमीन। मरको 16:16 में ये बात लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, उसी का उद्धार होगा, जो कोई विश्वास करेगा। तो हम पढ़ लेंगे एक बार, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो क्या हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा और उसमें बना रहे, ध्यान है दीजिएगा, बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, हालेलुया, और वो बना रहेगा तो उसको जो है उद्धार मिलेगा, लेकिन जो नहीं बना रहेगा और जो नहीं विश्वास करेगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा और उसका उद्धार भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में या मेमने की पुस्तक में है या नहीं है, हालेलुया, आपके नाम जो है उसमें लिखा है कि नहीं है, आप अपने आप को जांच सकते हैं, मैं बोलने से नहीं है, आप खुद बैठ के अपने आप को जांच सकते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं यहाँ पे, हम ये चीज जाने, अपने विश्वास के अनुसार कार्य करते हुए, अपने उद्धार के प्रति कार्य करते हुए, हम लोग हर दिन हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, हालेलुया। और जब ऐसा हम करते जाएंगे तो हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में अवश्य लिखा जाएगा, आमीन, क्योंकि लिखा है रोमियो 8:1 में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग कल देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए हमें, हालेलुया, एक विश्वासी के लिए जो ये जीवन की पुस्तक में क्या क्या हम लोग इस पृथ्वी में करना चाहिए, उस बात को हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग जरूर कल बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, समय से जुड़ेंगे तो जरूर हम लोग जान पाएंगे
और अच्छे से समझ पाएंगे, और समय से नहीं जुड़ेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। आमीन, खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए समय से जुड़ेंगे, प्रभु आपको आशीष करे। और जागृति प्रार्थना में जरूर आप लोग प्रार्थना करते रहिए। जो लोग जागृति प्रार्थना में अपना नाम दिए हैं वो लोग जरूर जागृति प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें, एक घंटे की रोज प्रार्थना हमारे देश के लिए, और जो सताव हो रहा है सताव के लिए, और जो कलिसिया तोड़ी जा रही है, जो सरकार जो इस समय जो कार्य कर रही है बहुत सारे चीजों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। युवा के लिए प्रार्थना करें, गलत रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के मार्गों में वो लोग चलते रहें। तो आप लोग प्रार्थना में लगातार बने रहिए, एक घंटे की प्रार्थना कीजिए। ग्रुप में आपका नाम है, जिनका नहीं है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और जिनका नाम है वो जरूर लिख के भेजे। आमीन, हालेलुया। अगर आप नहीं लिख के भेजते हैं तो आपका नाम जो है काट दिया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि आप परमानेंट नहीं बने रह रहे अपने जो निर्णय में। आमीन, तो आप लोग जो, मैं दोबारा इसको एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको YouTube पे मैं आप लोगों को डाल के मैं भेज दूंगा, तो आप लोग अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा इसको। आमीन, आप लोग अच्छे से सुनिएगा ताकि ऊपर से जो थोड़ा बहुत चला गया है वो फिर अंदर फिट हो जाएगा। हालेलुया, तो जरूर आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोगों को मैं YouTube पे डाल दूंगा। हमारा जो परमेश्वर के समीप हमें बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, दूसरों को भी संभालना है, खुद भी संभालना है, दूसरों को भी सिखाते रहना है, खुद भी सीखना है, और हम सब सीखते ही रहेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जिसने सीखना बंद कर दिया वो समझ लो हालेलुया रुक गया वहीं पे। सीखते रहना है, जहां से मिले अच्छे से, जहां सीखना है अच्छी चीज सीखना है। आमीन, सही चीज सीखना है, गलत चीज नहीं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे आपके जीवन में, आपके घरों में। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, और रोज आपके लिए प्रार्थना हो रहा है। जो लोग निवेदन भेज रहे हैं सबके लिए आप लोग ग्रुप में निवेदन देते रहिए, ताकि आपका निवेदन हम लोग जागृति प्रार्थना में ट्रांसफर करें। वहां पे जो लोग हैं वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आपको प्रार्थना में रखेंगे। निश्चिंत रहिए आप कि आपके लिए प्रार्थना हो रही है करके, क्योंकि कम से कम 30-40 लोग तो रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। 30-40 लोग जो है कम से कम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रुप में भी हैं, तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए। हालेलुया, ताकि आपके जीवन में भी बढ़ोतरी हो और लोगों के जीवन में भी बढ़ोतरी हो। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जीवित पिता प्रभु, जो आज सुना है प्रभु कि अंत तक जो बना रहेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा प्रभु। मेरे पिता, तेरे पुस्तक में नाम लिखे जाए इसके लिए परमेश्वर पिता, पौलुस कहता मैं प्रत्येक दिन प्रयत्न करता हूँ, और जो मेरे लाभ के लिए, जो मुझे अगर मेरे लाभ के लिए भी है, अगर यीशु मसीह में वो मेरे लिए हानि की है तो मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। प्रभु आज अपने जीवन में लोग प्रभु केवल मसीह में दिखावे के रूप में मसीह जीवन ना जिए, लोग जो प्रभु केवल नाम धराई मसीह ना रहे प्रभु, कि मैं तो जन्म से मसीह हूं, या मैं 10 साल से 5 साल से मैं मसीह में हूं, प्रभु नाम केवल अपने ऊपर लगा कर ना चले मेरे खुदावन, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने कहा है कि वो उनका नाम कदाचित नहीं बना रहे मेरे प्रभु। आज जब लोग ये बात को सुनते हैं प्रभु, प्रभु उनका मन परिवर्तन होने पाए, और प्रभु वो विश्वास को प्रभु थामे रहे, प्रभु वो विश्वास में बने रहे और विश्वास में आगे बढ़ते रहे, और वो काम परमेश्वर पिता करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो काम आपने, प्रभु जो आज्ञा आपने दिया है, जो आज्ञा आपने उनको सौंपी है प्रभु, उसमें उसको परमेश्वर करते रहे। मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन आप परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, और प्रभु हर प्रकार के उनके अंदर की, प्रभु हर प्रकार के बातों को, छल कपट, हर प्रकार के धोखा, हर प्रकार के बुराई
परमेश्वर वे विचार हर प्रकार के घमंड निंदा प्रभु सब निकल जाए यीशु के नाम मेरे पिता आशीष कीजिए प्रभु हर प्रकार के नशे की आत्मा तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आलस की आत्मा तेरे लोगों के अंदर से दूर होने पाए और प्रभु हर प्रकार के परमेश्वर अपशब्द प्रभु वो दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के प्रभु परमेश्वर ढोंग करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए दिखावे करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए तेरे लोगों को बचा ले परमेश्वर।